तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप वीडियो को अपलोड करते हैं प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर तो आपकी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर जो है जानकारी देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्या सच में वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं तो क्या आपको प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर वीडियो अपलोड करनी चाहिए, आपको बेनिफिट उससे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि प्राइवेट और अनलिस्टेड का क्या काम रहता है, कैसे ये ऑप्शंस काम करती हैं, क्यों ये ऑप्शंस दी जाती है, तो इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड इन तीनों ही ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है, कैसे ये काम करती है, क्यों हमें ये दी जाती है और कब जो इनका यूज करना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ, पूरी जानकारी वहां पे दी हुई है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई कार्ड के अंदर दिया होगा, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप आगे देखिएगा। तो अगर आप जानते हैं कि प्राइवेट और अनलिस्टेड का क्या मतलब होता है, क्यों ये ऑप्शंस होती है, तो वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपनी किसी वीडियो को अपलोड करते हैं प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसकी रैंकिंग में फर्क पड़ता है और उसकी रैंकिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट और अनलिस्टेड का मतलब होता क्या है। अगर आप वीडियो को अपलोड करते हैं प्राइवेट के अंदर तो सीधा सा मतलब है कि कोई और उस वीडियो को नहीं देख पाएगा आपके अलावा, लेकिन अगर आप वीडियो को अपलोड करते हैं अनलिस्टेड के अंदर तो जिनके पास वो लिंक होगा उस वीडियो का वही उस वीडियो को देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके चैनल के अंदर जाएंगे तो कोई और वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो अगर आप अपलोड करते हैं वीडियो को प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड के अंदर तो जो YouTube का एल्गोरिथम होता है, जो सर्च इंजन के लिए काम करता है या फिर आपकी वीडियो की रैंकिंग बढ़ाने के लिए काम करता है, तो जो एल्गोरिथम होगा वो आपकी वीडियो के ऊपर नहीं आएगा, और अगर एल्गोरिथम आपकी वीडियो के ऊपर नहीं आएगा तो आपकी वीडियो की रैंकिंग कैसे बढ़ेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी वीडियो की रैंकिंग इससे नहीं बढ़ती है अगर आप वीडियो को प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर अपलोड करते हैं। अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, आपका नया चैनल है, आपके अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, कुछ चंद व्यूज आपके आते हैं 20-25-100, अगर ऐसे कुछ व्यूज आते हैं तो आपको कभी भी अपनी वीडियो प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर अपलोड नहीं करनी चाहिए, रेगुलरली तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक आध वीडियो अगर आपने प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड के अंदर अपलोड किया, उसके अंदर आपको टैग लगाने, डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से सेट करना है या फिर थंबनेल लगाना है या फिर कोई और सेटिंग आपको करनी है जैसे कि आई कार्ड, एंड स्क्रीन, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो एक आध वीडियो जो है आप प्राइवेट अनलिस्टेड के अंदर अपलोड करेंगे, उसके बाद कुछ 15-20 मिनट के बाद उसको पब्लिक कर देंगे तो उससे जो है आपकी वीडियो की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे जो थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल जाती है, लेकिन आपकी रैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद जो है इस चीज को ट्राई किया है, मैंने काफी सारी वीडियोस को रेगुलरली जो है प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर अपलोड किया, उसके बाद उसको पब्लिक किया, तो मेरी वीडियो की रैंकिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, उल्टा जो मेरे जितने मेरे नॉर्मल व्यूज आते थे उससे कम ही व्यूज उन वीडियो के ऊपर आए हैं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हैं, आपके बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, तो आपको प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली उसको पब्लिक कीजिए या फिर शेड्यूल कीजिए, शेड्यूल से भी आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा फर्क पड़ जाता है, लेकिन आप जो है प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर न्यू क्रिएटर कभी भी वीडियो अपलोड ना करें। लेकिन अगर आपके आते हैं अच्छे व्यूज, आपको जो रेगुलरली अच्छे व्यूज आते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो अगर आप रेगुलरली अगर प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर वीडियो अपलोड करेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी के थ्रू जो है शेयर करेंगे तो जो एल्गोरिथम होगा यूट्यूब का वो देखेगा कि इस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो वो एल्गोरिथम उसके ऊपर आ जाएगा और उसको रेकमेंडेशन के अंदर डाल देगा, यूट्यूब सर्च के अंदर डाल देगा। लेकिन अगर आपके अच्छे व्यूज आते ही नहीं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होगा वो सोचेगा कि इस वीडियो में पहले से अच्छे व्यूज नहीं आ रहे और ये पहले अनलिस्टेड में थी, प्राइवेट में थी, तो इसको जो है ज्यादा पब्लिकली क्यों दिखाना है। तो इस तरीके से जो है आपकी वीडियो के ऊपर फर्क पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट और अनलिस्टेड के अंदर वीडियो अपलोड करने से हमारी वीडियो की रैंकिंग बढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मेरा खुद का ओपिनियन था, आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ के आपके रिप्लाई भी कर दूंगा। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया मुझे लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपके पास पहुंच सके मेरी अगला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी, अगर आपके कोई सवाल तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दूंगा आपकी कमेंट का रिप्लाई जल्द जल्द। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए मेरे सभी फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर मेरे को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।